कितनी अच्छी बात है ना, रागिनी और रुद्र जी कुछ दिन हमारे यहाँ रहेंगे। अच्छी बात तो है, रागिनी कितनी खुश भी लग रही थी। हाँ। और देखा था तूने, जैसे उसे पता चला कि उसे अपने घर वापस जाना है, कितनी अपसेट हो गई थी। और तुम्हारे पीछे तो ऐसे आकर छुप गई थी जैसे तुम ही हो जो उसे उसे बचा सकते। सागर को बचा के फिर तो अपने अपने हवाई जहाज में बैठा के ले जाएगी। क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं। पता ना गंगा, क्या हुआ? एक बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कहें। ऐसी क्या बात है तो तुझे इतना सोचना पड़ रहा है, बोल। तुम्हें नहीं लगता कि रागिनी को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव है? मुझसे? I think वो तुझसे ज्यादा अटैच्ड है। ऐसा नहीं लगता तुझे? हमारा मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि वो तुमको लेकर बहुत पोजेसिव है। जब भी हमें तुमसे बात करते हुए देखती है ना, तो तुरंत आ जाती है। क्या हुआ सागर, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? हंस क्यों रहे हो सागर, क्या हुआ है? You're jealous. रागिनी से जलती है ना तू? नहीं सागर, बिल्कुल नहीं। हम किसी से क्यों जलने लगे भला? जले हमारे दुश्मन। तू कुछ भी बोल गंगा, जलती तो तू है। अरे हमने कहा ना हम नहीं जलते हैं सागर। लेकिन मुझे तो स्मेल आ रही है, देख देख जलने की स्मेल आ रही है। चुप हो जाओ सागर, हम कह रहे हैं ना। तो रोने क्यों लग गई? हम नहीं रो रहे हैं सागर। गंगा रो रही है तू। अरे हम नहीं रो रहे, हम क्यों रोएंगे? ये तेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। सागर हम नहीं रोएंगे, हम क्यों रोएंगे? गंगा तू, गंगा मैं तुझे सिर्फ चिढ़ा रहा था, तू सीरियस हो गई। कम ऑन यार गंगा, इधर देख, इधर ना। सीरियसली रागिनी के लिए, वो बच्ची है, उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता। और तूने देखा था ना वो हम दोनों के लिए कितना खुश थी। ऐसा क्यों सोच रही है? You know what? रुद्र भैया सच कह रहे थे कि कुछ तो चेंज डेफिनेटली आया तुझमें। तू पहले जैसे लड़ाकू नहीं रही, ऐसे छोटी छोटी बात पे रोने लगती है। देख नहीं सागर, हम कभी नहीं रोते। पिछले दिनों इतना कुछ हुआ ना, तुम तो जानते हो ना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन हम अपने लिए कभी नहीं रोते। जब भी हमारे दिल में तुम्हें खो देने का ख्याल आता। हाँ इधर इधर देख, अगर तू मुझे खोना भी चाहे ना, तब भी मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जैसे आंसू भरे ना तेरी आंखों में, मैं भी यही रहता हूँ तेरी आंखों में, और हमेशा ही रहूंगा। अम्मा जी की खुशी और उनकी रजामंदी से होगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और तुमने तो हमारे परिवार को, हम सबको हमेशा अपनी फैमिली माना है, लेकिन शायद हम ही तुम्हें दिल से अपना ना सके। आज तक जाने अनजाने हम सबकी तरफ से तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई है, जो भी दुख पहुंचा है, तो सबके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब से तुम पूरी तरह से इस परिवार का हिस्सा हो। वेलकम टू द फैमिली। मुझे भी मिलने देंगे अपनी होने वाली बहू से? गंगा हमेशा खुश। अरे जीते रहो, बहुत खुश रहो तुम दोनों।
और तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। अम्मा जी ने इतने अचानक बता दिया, इतनी बड़ी बात, वरना मैं बहुत धूमधाम से तैयारी करती अपने बेटे और होने वाली बहू की। अरे तो क्या हुआ माधवी, शादी धूमधाम से कर लेना। ये भी कोई कहने वाली बात है? बस रुलाएगी क्या, इतने दिनों के बाद तेरे जीवन में सुख शांति आ रही है बस है? क्यों खड़ा है सामने? चल जाओ जाओ दोनों के तुम, चलो लेके जाए इसे। अम्मा जी ये क्या कर रही हैं आप? लल्ला की शादी उस लड़की के साथ कर रही हैं? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अम्मा जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपको पता है ना वो लड़की एक विधवा है। विधवा थी उनकी बहू, विधवा थी। लेकिन अब वो सुहागिन कहलाएगी। अरे 7 साल की थी बच्ची, जब उसका पति गुजर गया उसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था, तब से आज तक वो लड़की विधवा के रूप में जी रही है। जितना दुख जितना तिरस्कार उसके नसीब में था सह लिया उसने, सब सह लिया। बस अब वो दोनों एक होंगे, गंगा और सागर अब शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो घोर अनर्थ होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है अम्मा जी, आप जैसा ठीक समझे, आखिर आप इस घर की बड़ी हैं। चलती हूँ। मैं चलती हूँ अम्मा जी। लला भैया, लला भैया खाना लग गया है, आपको नीचे बुलाया सबने, गंगा बिटिया तुम्हें भी। अच्छा ठीक है, चल डिनर टाइम आ जा। जाओ बाद में। क्यों खाना नहीं खाओगी? ठीक है तो हम दोनों खा के आ जाएं। को कम इसे ही रख दो। क्या कर रहे हो सागर? किस में? क्या क्यों? मुझे एक किस चाहिए अभी। गंगा अगर तू मुझे किस नहीं करेगी जाने नहीं दूंगा तुझे। सागर कोई आ जाए तो। सागर की दुल्हन का है, मतलब मेरा है। मैं बनूंगी सागर की दुल्हन, मैं बनूंगी, मैं बनूंगी सागर की दुल्हन, मैं बनूंगी। तो ये पगली सागर की दुल्हन बनना चाहती है, कमाल है। प्रभा तुझे तो बैठे बिठाए मसाला मिल जाता है। अब गंगा तू देख, तेरा सागर के साथ शादी का सपना मैं कैसे चकना चूर करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तू बन जाएगी सागर की दुल्हन। कैसे? मैं बताऊंगी ना, पर तुझे ना मुझे एक प्रॉमिस देना पड़ेगा, तू ये बात ना किसी को नहीं बताएगी।